Classic. स्मगल करने में, स्मगलिंग करने में कामयाब हो गया, ताकि यहाँ कोई पुलिस वाला वगैरह नहीं है। तो सामने से कुछ इस प्रकार दिखता है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन, और पहले भी हम लोग आ चुके हैं यहाँ, लेकिन ये दूसरी बार आ रहे हैं। काफ़ी साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं कहीं भी गंदगी नहीं है। और वापसी हो रहा है आप जनकपुर से जयनगर के लिए, और एसी में नहीं जा रहे हैं, फिर से हम लोग वही जनरल में जा रहे हैं। 45 रुपये टिकट इंडियन मनी, क्योंकि एसी का फेयर है 230 रुपये इंडियन। और सीट ले लिए हम लोग, ये देखिए यही दोनों सीट हम लोग का रहेगा। और सभी बोगी में ये नेपाली पुलिस सवार होते हैं, हर बोगी में नेपाली पुलिस भी रहेंगे साथ में। और कुछ ऐसा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जनकपुर धाम का, ये देखिए। ये रहा जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और कुछ इस प्रकार का आगे से ये नेपाली ट्रेन, नेपाल का ट्रेन आप देख रहे हैं। ये रहा इंजन, दोनों ओर इस ट्रेन में इंजन है, जैसे हम लोग के यहाँ मेट्रो का रहता है। आप मेट्रो में सफ़र किए होंगे तो उसी प्रकार का ये 5 बोगी का ये ट्रेन है, और ये सिंगल लाइन ही है, डबल लाइन नहीं है। और यही ट्रेन आती है जयनगर से जनकपुर कुर्था तक जाती है, और फिर वापस जयनगर के लिए प्रस्थान करती है। और दिन भर में 3 बार इस ट्रेन का आना जाना है, और पैसेंजर काफ़ी मात्रा में इस ट्रेन में चढ़ते हैं, क्योंकि भाड़ा बहुत ही कम है, मात्र 45 रुपया इस ट्रेन का किराया है जयनगर तक। और इस ट्रेन में सिर्फ 1 कोच ही है एसी, और एसी कोच फुल कभी नहीं होता है, मात्र 10-15 लोग ही एसी कोच में यात्रा कर पाते हैं, क्योंकि एसी का किराया काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 45 रुपया इस जनरल कोच का किराया है प्रति व्यक्ति, और एसी कोच का किराया प्रति व्यक्ति 230 रुपये इंडियन मनी में, इसलिए वो कोच खाली ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल में आप टिकट कटाकर एसी में बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। जो एसी का टिकट लिए रहेंगे वो एसी कोच में बैठते हैं, बाकी लोग जो जनरल टिकट लिए रहते हैं वो जनरल में ही यात्रा करते हैं। और बुरा भी नहीं है इस जनरल कोच का, सीट वगैरह बहुत अच्छा है। एसी में यही है कि पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन ना फूल उधर से होता है ना इधर से जाने में, एसी कोच खाली ही रहता है। अंदर चलकर आपको एसी कोच का इंटीरियर वगैरह दिखा दूं। बाबा को चढ़ने नहीं दिया गया है क्या भाई? पूरा गरम है बाबा, पूरा गरम है। तो आप एसी में देख लीजिए कितने पैसेंजर है, ये आप देख सकते हैं, 2, 1, 3। तो आपको एसी कोच भी दिखा दिया कि मात्र 3 लोग इस एसी कोच में, सिर्फ यही वजह है कि 230 रुपया किराया, कहाँ 45 कहाँ 230। और भाई बहुत ज़्यादा देर का सफ़र नहीं है, मात्र 50 मिनट का ये सफ़र है जनकपुर से जयनगर तक का।
सीट मिल चुका है ना। तो भाई हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगामी रोकनी स्टेशन पर वहाँ बोला लो जा बुआ के मुसी के भुला बोला नारियल आ गले है लिया लिया नारियल खा मिठकर बोला नारियल तोरा तेल मसाला वाला है बुआ के खाए वाला बुआ के मुसी के भुला बोला नारियल आ गले है तोरा तेल मसाला वाला है 20 रुपया हाँ अपनो खा बोला लो जा नारियल खेबे करी बोला यात्रा हो रही है नेपाल के ट्रेन में, यानी इंटरनेशनल ट्रेन नहीं, हम लोग का अब समाप्त होने जा रहा है क्योंकि आगामी स्टेशन जयनगर। उधर इंडिया का ट्रेन और इधर नेपाली इंडियन ट्रेन नेपाली और स्टेशन जयनगर। दलाली करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या पूछ रहे हो हमको? रहना पीछे सीढ़ी है, पीछे सीढ़ी है। बुलाना जिसको बुलाना, बुलाना ना कर देते हैं, ना कर दे। तुमको निकलो बाहर, ना कर दे के मेरा नाम बदल दोगे तू। चलो ना बाहर, बाहर चलो ना, चलो ना बाहर। जबरदस्ती ले जाओगे सामान, जबरदस्ती ले जाओगे सामान। तो हमने पता किया भाई उत्सुकतावश कि क्या था उसमें बोरा में, तो वीची कोई बीज होता है जो कि नेपाल में बैन है, उस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। तो चोरी छिपे लोग इंडिया से नेपाल स्मगल करते हैं, लेकिन बहुत ही निडर वो इंसान था और देखा कि यहाँ कोई पुलिस वाला वगैरह नहीं है, तो उसने खूब बहस किया, झगड़ा झंझट टाइप का किया और फिर यहाँ अपना कपड़े को बदला, उसके बाद बोरा उठाया। वो लोग दो आदमी थे और एक आदमी इस साइड से ही चला गया और वो उस दीवार के उस साइड से स्मगलिंग करने में कामयाब हो गया। ये जयनगर रेलवे स्टेशन। तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इस स्मगलिंग पर भी बना दूँ और मैंने बना दिया। तो भाई अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।